गाइस ये आ गई अपनी गाड़ी भाई, ये कार है अपनी। हेलो You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Hello guys, good morning and welcome back to another vlog. So guys, आज vlog भी बन रहा है, बहुत टाइम से वो ये शॉर्ट शॉर्ट आ रहा था, सोचा थोड़ा vlog भी बना ले। तो guys अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और बस आज हम लोग शिफ्ट करेंगे अपना वेसल की, जहाँ से जहाँ पे भी हम लगे रिवर में, तो वहाँ से हम जाएंगे वर्कशॉप मतलब डॉक यार्ड पे। फिर आपको दिखाएंगे आज की कैसे डॉकिंग होती है, कहाँ कैसा डॉक यार्ड है, यहाँ पे होती तो क्या हो, तो टाइम लगे तो बनाएंगे, अगर नहीं तो फिर देखते हैं बस थोड़ी देर से स्टैंड होने। सबसे मेन डिफिकल्ट टास्क है कि रस्सियाँ खोलनी है हम लोगों ने, तो रिवर के बगल में बांध रखा है पाइलिंग में, अब वो रस्सी कैसे खोलनी है उसका भी जुगाड़ लगाना है। तो चलो अभी मैं तो बहुत बिजी होंगे, फिर बाद में मिलेंगे आपसे। गाइज हम लोग निकल गए भाई सुबह सुबह, चल पड़े डॉक कर, देख लो सुबह सुबह का क्या प्यारा व्यू है। बस अब निकल रहे हैं शाम को, लगे सारे के सारे टग बोट्स वगैरह जितने भी है, और वहाँ असीस मोड़ के बाद आगे हम चले जाएंगे। गाइज देख लो कैसे कैसे करके निकलना पड़ता है, इधर कितने बगल बगल से जा रहे हैं, बस यहाँ जाके थोड़ा सा टर्न लेके घुस जाएंगे और बहुत से ज़्यादा टग बोट भाई, बहुत तो है यहाँ पे, तो भाई बहुत खतरनाक सिस्टम है। वैसे देख लो ऐसे बनते हैं जो बार्ज बनता है ना, देखो बार्ज नया बार्ज बन रहा है, वो आई थिंक फिशिंग बोट बन रहा है, टग बोट तो लग नहीं रहा, आई थिंक फिशिंग बोट है क्या है, और ये बाकी फिर टग बोट्स वगैरह है। बस यहाँ पे ये टर्निंग पे हमने जाना है भाई। सुबह सुबह देख लो पीछे का व्यू, बस अब हम लोग शिफ्ट अलॉन्ग साइड वगैरह करते हैं, कहाँ करते हैं देखते हैं, उसके बाद बाकी फिर देखते हैं, आपसे बात करते हैं बाद में, ट्राई करेंगे पूरे दिन का बनाएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि आज सर्वे भी है मेरा। आगे आगे अब समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाएंगे हम लोगों को, कहाँ क्या करना है, अभी पहुँच गए हम लोग तो, अब समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना क्या करना भाई, दिमाग ख़राब हो गया। गाइस देख लो ये लग गए हम फेरी में, ए गाइस। सो गाइस हो गए हम लोग भी, अब काम फिनिश हुआ, फिनिश मतलब अब काम स्टार्ट हो रहा है अपना, अब बस अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए, थोड़ा जूस पियेंगे, ये देखो हमारा स्पेशल ग्लास, बस चेयर्स सुबह सुबह मैंगो जूस के साथ इसको पीते हैं, और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करते हैं, सर्वे की तैयारी करते हैं सर्वे भाई। ऐसे आ गए हम लोग डेक पे अपने असली वेशभूषा पे, बस लग गया काम करने, आगे वर्कशॉप वाले बंदे भी आगे रिपेयर करने वाले काम, बस ये लोग आएंगे अब इनके साथ देखते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या सीन। आगे वर्कशॉप वाले बंदे भी आगे, इनको बेचारों को बहुत काम करना पड़ गया, वो पूरा घूम फिर के आना पड़ गया इनको। देखो ऐसे उतरते हैं ड्राई डॉक के, यहाँ पे रील के हिसाब से चढ़ते हैं, तो ये देखो फिशिंग बोट से दो दो वो उतर रहे हैं नीचे नीचे, देखो ध्यान से देखोगे तो, और वो बगल में टग बोट लगा है, उसके बगल में छोटा सा टैंकर लगा है, ये पीछे टग बोट लगा है, वो भी शायद उतर जाएगा आज, नहीं रोकता हूँ कल, जैसा मुझे लग रहा है। आगे सर गए आगे भाई, हाल देखो क्या हाल हो गया भाई हमारे इसका, अति आ गई भाई, अति आ गई, चश्मा सही लग रहा है ना मेरा, बताना ज़रा फिर। भाई अपना टेस्ट हो रहा है सारा कुछ, सब देख लो उधर स्टैंड बाय है लगे फेरी भाई, सर्वे ने तो ले ली भाई, सर्वे 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 सुबह से लेकर अति आ गई सर्वे ने तो, मेरा तो कोई एनसी नहीं निकला बट फिर भी। सो गाइस हो गया भाई अपना सर्वे, अच्छे से निकलेगा, बस एक एनसी मिल गया यार पायलट लेटर का थोड़ा ना, अब कहीं को एनसी का पता नहीं होगा तो बता देंगे, नॉन कन्फर्मेटिव पायलट लेटर थोड़ा मेरा टूटा हुआ था वो दे दिया उन्होंने, बाकी तो भाई सारा का सारा सही निकला। अब बस यहाँ पे चढ़ेंगे हम लोग, बस जैसे तैसे हो गया ब्रिज में जाता हूँ, इधर उधर फेंका पड़ा है उठा उठा के सही करता हूँ अब, बाकी चलो देखते हैं। सुबह आज का काम तो भाई हो गया हमारा सर्वे सर्वे जो भी है, और बस आज शाम को निकलूँगा बाहर, अब थोड़ा अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा कार रेंट पे मंगा रखी है, जैसे ही आती है उसके बाद दिखाते हैं आपको।
गाइस ऐसा दिखता है कुछ भाई, टोंका नीचे से फ्लैट ही होता है, इसमें क्या दिखेगा। और एक साइड में लगे जिंक एनोड, थोड़ा रस्ट ना लगे इसलिए। देखो ऊपर से रिलीज कर रहे हैं और वैसे यहाँ से नीचे जा रहा है। देख लो थोड़ा जूम आउट करता हूँ 0.5 पे, और वो पीछे उसका टग बोट लगा है, देखो कैसे प्यार से जा रहा है। वो निकलेगा कल, फिर मंडे को शायद हम चढ़ेंगे क्योंकि कल तो छुट्टी है भाई। तो गाइस ये आ गई अपनी गाड़ी आज रात के लिए, मतलब एक 24 घंटे के लिए ये है, तो इसको भी इसको लेके घूमेंगे अब, और सीसी को घुमाएंगे आज। बस मैं भी जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, एक बार अंदर से चेक कर लेता हूँ गाड़ी कैसी क्या है, सीन पानी, बस उसके बाद निकलते हैं। क्या हो गया इसको, अरे ऐसी दिखती है भाई कुछ अंदर से, ये गाड़ी ऑटोमेटिक कार है भाई, पुश बटन है सब कुछ। एक बार चेक करके देख लेते हैं, पुश बटन स्टार्ट करते हैं, कितना तेल दिया इन लोगों ने। तेल तो भाई दे रखा है इन्होंने सही है, ब्लूटूथ वगैरह के गाने गुने लग जाएंगे, कहाँ से बंद होता है भाई ये। गाड़ी गुड़ी चेक करके आ गया, सब बढ़िया है, बस निकलते हैं, नहाता धोता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर घूमते हैं मॉल मूल वगैरह। बस तोंकान भी उतर गया पूरा का पूरा, अब बस परसों का बेटे हमारा, फिर हम भी निकल जाएंगे परसों भाई, अभी तो फिलहाल परसों निकल के जाएंगे, चढ़ेंगे वो देखो बेचारे बंदे लगे पड़े हैं, वो टक बोट स्टैंड बाय हो गया। फिर यहाँ पे कार रेंटर थोड़ा इजी है क्योंकि पुराना दोस्त था हमारा ना, इस चक्कर में ज़्यादा कुछ लिए नहीं, बस फोटो भेजी लाइसेंस की और अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, और बस अभी तो फिलहाल 150 रिंगेट लिए हैं, मतलब कि अराउंड 2000 रुपये कुछ, 2200 रुपये एक दिन का है भाई। तो कोई ना, चल पड़ता है कभी कभार तो आना है, एक बार अभी लूँगा, एक नेक्स्ट हफ्ते लूँगा अगले सैटरडे को, और बस ख़त्म। दो बार तो बिंतलू आएंगे, फिर थोड़ा घूमते एक्सप्लोर करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको भी। गाइस हो गए तैयार फिर से, देख लो वही कपड़े पहने, आप बोलेंगे भाई वही कपड़े, इसके बाद क्या करें भाई, बार बार कौन होता है, कपड़े तो बहुत पड़े देख लो, बट पहनने का आलस करता हूँ मैं भी, कौन पहने फिर धोए। बस मैं भी निकल रहा हूँ बाहर, अपने बंदे थोड़े आधे रास्ते में तो उनको थोड़ा कहीं ड्रॉप करके निकल जाते फिर। गाइस आ गए भाई शिप से बाहर, बस दूसरे फ़ोन में मैप लगाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हुआ आए नहीं है, तो मैप की ज़रूरत पड़ेगी भाई, मैप मुँह लगा के निकलते सीधा। गाइस पहुँच के देख लो आगे मेन रोड पे, देख लो भाई, देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं, तो चले हैं भाई, रोड बड़े प्यारे हैं भाई यहाँ के। आज देख लो यहाँ पे वेजा ही वेजा चल रही, छोटी मोटी गाड़ियाँ आने वाला है मेरा नंबर भी, बहुत टाइम बाद भाई इस रोड पे आ रहा हूँ मैं कसम से, रोड तो पूरा याद है फिर भी, मैप लगा रखा है फिर भी। देखते जाते हैं एक मॉल में, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। कैसे कितना हाइट काट रहा है, देख लो पूरा का पूरा भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ समझिए, अब निकलने वाले सीधा सीधा। ये भाई साहब मेरे से आगे तब से चल रहा है, ना आगे जा रहा ना पीछे रह रहा है। हमें नीचे से घूमना था, मैं ऊपर आ गया ब्रिज के ऊपर से फ्लाई ओवर के। गाइस पहुंच तो गए मॉल पे, बस चलते हैं अंदर की और इसकी और भाई, यहाँ पे भी पार्किंग है, मैंने बाहर ही चिपका दी अपना देसी जुगाड़ क्योंकि सर सब ने लगा रखी, तो मैंने भी लगा दी, अंदर तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बस चलते हैं अब सीधा अंदर की ओर और शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं कुछ लेना है सामान सामून थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी कभार टाइम तो मिलता है, इसलिए अब हम भी चलते हैं यहाँ से, अब आपको अंदर दिखाते हैं। तो सबसे पहले भाई एप्पल स्टोर जाना है, मेरी आई वॉच ही कनेक्ट नहीं हो रही फ़ोन से, मैंने रीसेट मार दी थी तो उसके बाद कनेक्ट ही नहीं हुई यार, अब उसके बाद करते हैं स्टार्ट। चलो जी आ तो गए उस पर, देखते हैं, घुस तो गए अंदर, बस आराम से मसाज चेयर है, जाना पड़ेगा बाद में मसाज वगैरह करने भाई, तो दूसरा तो मेरे पीछे ही रह गया वो सारा जो साथ में आ रखा था, कपड़े तो कपड़े कुछ नहीं देखने भाई, पड़ा नहीं मैं कुछ काम का सामान है वही देखेंगे। ये अब सबसे पहले ढूंढते हैं एप्पल स्टोर कहाँ है, एप्पल स्टोर इस पर शायद ऊपर साइड होगा, एप्पल स्टोर पर जाते हैं उसके बाद बाकी देखते हैं। यहाँ तो यहाँ खाने के लिए बहुत है, रोस्टर वगैरह वगैरह कुछ भी देखते हैं। कपड़े तो अच्छे हैं बट मेरे को एप्पल स्टोर ढूंढना है जो मुझे नहीं मिल रहा है, कपड़े अंदर देखने ही जाना भाई, अंदर जाऊंगा पसंद आया ले लूँगा, इसी में जाऊंगा नहीं अंदर। वाह वो रहा नीचे एप्पल स्टोर, वापस नीचे जाना पड़ेगा भाई, बैग तो है इधर भी भाई, अब देखते हैं कोई पसंद आता है, क्योंकि रेड तो नहीं लूँगा क्योंकि पिछली बार भी रेड लेकर गया था, देखते कोई दूसरा इस बार। इधर तो मैंने टेम्पर्ड ग्लास पूछा, टेम्पर्ड ग्लास ही भाई 90 रिंगिट, मतलब 1500 का टेम्पर्ड ग्लास आईफोन का, भाई आईफोन लेना बंद कर देना पड़ेगा, तो मुश्किल ही लग रहा है कि आईफोन लेंगे अब, टेम्पर्ड ग्लास की 1500 के तो टेम्पर्ड ग्लास है भाई, कोई ना दूसरी जगह देखते हैं लोकल वाली शॉप पे।
घूम फिर के आगे भाई वापस, यहाँ पैरों में दर्द हो गया यार, कुछ पता नहीं क्या हो गया, पैरों में दर्द हो रही है मेरे तो। देखते हैं ट्रॉली तो मिल रही है, देखते हैं कहीं पसंद आती है तो ले लेंगे। इसमें तो अपना भाई चेंज करवा दिया अपना टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, दूसरा शायद फ़ोन देख रहा है कोई, तो वो कौन सा पसंद आता है इसको किसी गिफ्ट करना है। बस अभी यहाँ से निकल के थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और फिर सीधा फरार वापस शिप पे जाके सोएंगे, ताकि सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलना है। नहीं हो गया, आपको खाने का वेट हो रहा है भाई अपना KFC फिर बेटो, उसको लेके निकलेंगे सीधा शिप पे। शिप पे जाके बैठ के आराम से खाऊंगा, और थोड़ा बहुत तो सामान और लेना है। अपना KFC वगैरह लेकर अब सीधा निकलते, थोड़ा बहुत सामान लेते और नीचे खाने पीने का, और सीधा फिर निकल जाते हैं बैक टू शिप। शिप पे जाके भाई रेस्ट करेंगे आज। लोग से क्या मतलब, मॉल से बाहर निकले, अब चले वापस शिप पे। बहुत हो गया भाई, बहुत शॉपिंग कर लिया, अपना बैग ले लिया, बट खाली है अंदर से। देख लो भाई रात का नज़ारा, और गाड़ी कहाँ लगाई है ये भी पता नहीं है। बस चलान करने में ठप्पा लग गया होगी, कहीं चलान हो गया नहीं तो हैप्पी होली। फिर यहाँ से मैप लगाते हैं और निकलते हैं सीधा, फिर सीधा शिप पे जाके मिलते हैं आपको, और बस आ गई गाड़ी भाई। गाइस आगे पहुँच गए वापस शिप पे। बस अब ये अपना आज का डिनर पेस्ट्री इधर, और बस वो रहा मेरा ऑरेंज जूस फिर से, सॉरी मैंगो जूस। तो चलो यही था भाई अपने दिन का थोड़ा बहुत जैसा तैसा छोटा मोटा ब्लॉग जो भी बना आज का। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। और फिर कल सुबह फिर बाहर भाग रहे हैं, कल देखते ब्लॉग बनाते नहीं बनाते, देखें कल ब्लॉग देखेंगे। चलो ओके बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम। You don't see the things I see.